बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल एट होम। स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर, सो ओपन योर रीडिंग बुक पेज नंबर 44। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब क्लासिफिकेशन क्या है? साइंटिस्ट ने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं जिसे वो कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये स्टडी ऑफ लिविंग थिंग जो है आप लोगों के लिए ईजी बनाने के लिए। वी कैन ग्रुप लिविंग थिंग अकॉर्डिंग टू वेयर दे लिव। अच्छा, हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं किस तरह के डिफरेंट जगह पे वेयर दे लिव, बाय देयर शेप, बिहेवियर और क्या खाते हैं, इसकी वजह से इनको अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट एनवायरनमेंट और उनमें किस तरह एनिमल्स लिविंग थिंग सर्वाइव करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो लिव इन मैनी डिफरेंट एनवायरनमेंट, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, जैसे कि हॉट डेजर्ट, हाई अप इन द माउंटेंस, वाटर्स। ठीक है, तो सारे एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि कुछ हॉट डेजर्ट में रहते हैं, कुछ माउंटेंस में और कुछ वाटर में। एनिमल किंगडम, जितने भी एनिमल्स जो अर्थ पे रहते हैं वो किसे वो फॉर्म अ किंगडम, वो एक किंगडम फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? थाउजेंड ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स, मुख्तलिफ तरह के क्रिएचर्स जो हैं वो किंगडम के अंदर मौजूद हो सकते हैं। उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत स्मॉल होते हैं, वो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। और जो बाकी हैं वो जायंट्स हो सकते हैं और इनॉर्मस ब्लू व्हेल्स भी उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स इन्वायरमेंट। हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फोर डिफरेंट एनवायरमेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर वो रहते हैं। फोर डिफरेंट एनवायरमेंट्स जिनके अंदर वो रहते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि ग्राउंड पे रहते हैं, वो अपना मोस्ट जो टाइम है वो लैंड के ऊपर गुजारते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ जो है वो स्विम भी कर सकते हैं। उनकी बॉडीज जो है सूटेड टू लाइफ ऑन द ग्राउंड, उनकी बॉडीज बनाई ही अल्लाह ताला ने ऐसी है जो कि वो ज़मीन पर रह सकें। ठीक है, उनकी लेग्स होती हैं जिससे वो चलते हैं, उनके लंग्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ करते हैं। एनिमल्स जैसे कि स्नेक, उनके जो हैं स्केल्स होते हैं, उनकी बॉडी पर आपने देखा होगा स्केल्स बने हुए होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं उनको क्रॉलिंग करने में। और उनकी सेंसेस जो हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं, जैसे कि इन्होंने टेरिस्टल में जो है एग्जांपल दी हुई है एलिफेंट, ज़ेब्रा, लायन, डॉग एंड जिराफ की। एनिमल जो है वो कोल्ड प्लेसेस में जो रहते हैं वो उनकी जो बॉडी वो थिक फरी कोट होती, कोट से बनी हुई होती है जिससे वो वार्म रहते हैं। डेजर्ट में क्या होता है, कैमल्स जो उनकी थिक स्किन होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द सन। ठीक है, तो ये सब लैंड पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल है। उसके बाद है आर्बोरियल एनिमल। ठीक है, ये जो है आर्बोरियल एनिमल्स जो हैं ये लिव करते हैं ग्राउंड में, लेकिन इनका मोस्ट टाइम जो है वो ट्रीज पे गुजरता है। इनकी पावरफुल आर्म्स और लेग्स होती हैं। सम आर्बोरियल एनिमल्स जो होते हैं वो मंकीज हैं, एप्स हैं, जो कि स्विम कर सकते हैं ब्रांच टू ब्रांच। ठीक है, ये जो होती है ना ब्रांच टू ब्रांच, आपने देखा अक्सर मंकी को जो है वो ब्रांच टू ब्रांच जो है स्विम कर सकते हैं। ये अपनी टेल को यूज़ करते हैं ताकि ब्रांच को ग्रिप कर सकें, जैसे और बाकी जो है जैसे कि लिजर्ट, ऑप्सम, स्क्वायर, इनकी शार्प क्लॉज होते हैं जो हेल्प करते हैं ना क्लाइम करने के लिए। ठीक है, तो ये आर्बोरियल एनिमल्स हैं जिनका ज़्यादा टाइम ट्रीज पे गुजरता है। नेक्स्ट इज़ एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? ये वो एनिमल्स हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं। उनमें से जो कुछ होते हैं वो ब्रीथ नहीं कर सकते एनिमल्स की तरह जो कि लैंड पे रहते हैं, लेकिन ये ब्रीथ थ्रू करते हैं गिल्स से। इनके स्पेशल लंग्स होते हैं, जैसे कि फिश, क्रैब्स, टर्टल, सम फॉर्म्स ऑफ स्नेल्स भी हैं, श्रिम्प्स भी जो है एग्जांपल है एक्वेटिक एनिमल की। ये एनिमल्स के जो है फिन्स होते हैं, लिम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं स्विम करने के लिए वाटर के अंदर। देखें व्हेल, टर्टल, ये एक्वेटिक एनिमल की जो है ना एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज़ एरियल। एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो अपना ज़्यादातर टाइम जो है एयर में गुजारते हैं। ठीक है, देखें एरियल ऑलमोस्ट जो है साउंड कर रहा है एयर से, जैसे कि बर्ड्स एंड बैट जो हैं वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जितने भी हवा में बर्ड्स होते हैं वो एरियल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनकी जो बोन्स हैं वो लाइट होती हैं और होलो होती हैं। बॉडी शेप जो है वो हेल्प करती है इनको कट थ्रू द एयर ईजीली, ताकि वो एयर को क्रॉस करके गुजर सके। उनके विंग्स भी होते हैं, राइट। नाउ कम टू पेज नंबर 47, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम क्या होता है? प्लांट से किंगडम का मुराद समझ आ रही है, किंगडम है जो के सारे प्लांट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, वी ऑल नीड प्लांट्स। आप सबको पता है प्लांट्स की हमें ज़रूरत है। प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने भी लिविंग थिंग हैं वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि प्लांट्स से हम फूड लेते हैं अपना। प्लांट्स जो है वो हर शेप और साइज में ग्रो करता है। साइंटिस्ट ने उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कितने 38 लैक्स डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट। ठीक है, इतनी जो इन्होंने स्पीशीज़ जो हैं वो आइडेंटिफाई की हैं। प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं हॉट वेदर में, कुछ जो है ड्राई डेजर्ट में ग्रो होते हैं, कुछ जहाँ पे पानी कम होता है, और जो बाकी हैं वो ग्रो करते हैं पानी के आसपास। जितने भी प्लांट हैं अर्थ के ऊपर, ये प्लांट किंगडम बनाते हैं।
ठीक है। प्लांट जितने भी प्लांट हैं वो ग्रो करते हैं लैंड पर, जिन्हें हम कहते हैं टेरेस्टल प्लांट। प्लांट इन वन प्लेसेस कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन अदर प्लेसेस। प्लांट जो एक जगह पे ग्रो करते हैं वो दूसरी जगह से थोड़े डिफरेंट होते हैं, जहाँ पे वो अलग कहीं कुछ पानी के पास ग्रो हो रहे हैं, कुछ हॉट जगह पे ग्रो हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट हो गए ना। क्योंकि उनकी जगह डिफरेंट होती है, इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, इसलिए वो प्लांट आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जो क्लाइमेट जो है वो सेम नहीं होता हर जगह, ठीक है। कहीं जगह पे बहुत वार्मर होता है, जैसे कि अलॉन्ग द कोस्ट सी लेवल के जगह पर, और कुछ जगह पे बहुत हाई होता है, जैसे कि माउंटेन की तरफ क्लाइमेट बहुत हाई होता है, और सॉइल भी जो है वो सेम नहीं होती, ठीक। प्लांट जो है ग्रो करते हैं वाटर में, उन्हें कहते हैं एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है एनिमल्स लाइफ के लिए। इंसेक्ट और बर्ड जो है वो फीड करते हैं उनके ऊपर, वो प्रोवाइड करते हैं रेस्टिंग प्लेस और शेल्टर फॉर थाउजेंड ऑफ टाइनी क्रीचर्स। शेल्टर आप लोगों को पता है प्लांट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उसमें जो है शेल्टर प्रोवाइड करते हैं थाउजेंड ऑफ क्रीचर के लिए। कुछ जो है वाटर अंडर वाटर रहते हैं और कुछ जो है सरफेस पे। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में आगे से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।